अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं आलू अंडे की करी। इसके लिए हमने 4 अंडे लिए हैं और हमने 4 आलू लिए हैं। इनको हमने बॉयल कर लिया है। उसके अलावा हमने 3 प्याज लिए थे बड़े साइज़ में, उनको 2 टमाटर लिए थे और 5-6 हरी मिर्चें ली थी, उनका पेस्ट बना लिया है। पाउडर मसालों में हमने सूरख मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच नमक और 1/2 टीस्पून हमने हल्दी ली है, 1 टीस्पून हमने खुश्क धनिया लिया है, 1 टीस्पून हमने ज़ीरा लिया है, 1.5 टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और 1/2 कप हमने ऑयल लिया है। ऑयल को हमने गर्म होने के लिए रख दिया। ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। देखिए व्यूअर्स, हमारा ऑयल गर्म हो गया। अभी हम इसमें खड़े मसाले शामिल कर रहे हैं, इनको हम 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। खड़े मसाले हमारे रोस्ट हो गए, अभी हम इसमें जो हमने बना के रखा था प्याज सब्ज मिर्च और टमाटर का, अभी हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे। इसमें हमारे तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे कवर करते। ये देखें व्यूअर, हमारा प्याज टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट अच्छी तरह भून चुका है। अभी हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1.5 टीस्पून। इसको हम 3 से 4 मिनट तक के लिए भून लेंगे ताकि स्मेल खत्म हो जाए, भुनाना शुरू हो जाए। हमारा लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह भून चुका है। अभी हम इसमें पाउडर मसाले शामिल करेंगे जो हमने आपको पहले बताए थे। हमारा मसाला जितना अच्छा बना हो गुना होगा हमारा मसाले का टेस्ट उतना ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर आपको लगे कि आपका मसाला नीचे लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। ये देखेंगे और हमारे मसाले भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो गए, इस तरह भून चुका है। अभी हम इसमें आलू डालेंगे। आलू को हमें बड़े बड़े पीसों में कट कर लिया, आप में भी कर सकते हैं। अभी हम आलू डाल के मसाले के साथ तकरीबन 5 मिनट तक इसकी भी बुनाई करेंगे। तो देखें जो हमने आलू को मसाले के साथ 5 मिनट तक बुनाई कर ली। अभी हम इसमें पानी शामिल करेंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी। आप कम जब आप पसंद करते हैं तो कम डाल सकते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। अभी हम इसको कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि हमारा पानी अच्छी तरह पक जाए। ये देखें व्यूअर्स, हमारे सालन को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अभी हम इसमें अंडे डालेंगे। अंडे हमने डाल दिए, अभी हम इसको 2 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। उसके बाद हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं कि हमारा सालन कैसा लग रहा है। ये देखें व्यूअर्स, हमारा सालन बिल्कुल पक के तैयार है। हमने इसको डिश आउट कर लिया है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने का शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।